अब ये जो बात बयान करी है ये कोई अफसाना नहीं है, ये एक हकीकत है। जब तक आदमी इसके ऊपर तजर्बा ना करे ये बात समझ में नहीं आती है। अब इसका कुछ तरीका भी बता दें, हो सकता है कुछ अहले दिल हों, इसका तरीका भी बता दें और इसकी इजाजत भी होती है। हर सिफाती इस्म आप किताब से देख कर फैज हासिल ले सकते हैं, लेकिन इस्मे ज़ात इसके लिए अल्लाह और उसके हबीब की इजाजत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह से दोस्ती हो जाती है। अगर आप या रहमानों का जिक्र करते हैं, हर वक्त करते रहें, आप उसके रहम तक पहुंचेंगे, बड़ा कमाल नहीं है। या करीमों का जिक्र करते हैं, उसके करम तक पहुंचेंगे, उसकी जात तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जब इसमें जात अल्लाह अल्लाह का जिक्र करेंगे तो उसकी जात तक पहुंचेंगे। तो वो अपनी जात तक लेने के लिए अल्लाह और उसके हबीब की इजाजत जरूरी होगी, तब उस तक पहुंच सकेंगे। इजाजत क्या है? आप यहां तहज्जुद पढ़ते रहें, शैतान एक कोने पर खड़ा हंसता रहता है कि थकता रह, तेरा दिल तो मेरे हाथ में है, जब जी चाहूंगा मोड़ दूंगा। बाजिद मुस्तमी रहमतुल्ला जंगल में गए, जब और इबादत करते तो शैतान एक कोने पर खड़ा रहता, लेकिन जब वो इसमें जात को दिल में बसाते तो शैतान उनको सताता, करीब आके सताता। एक दिन उनको बड़ा गुस्सा आ गया, डंडा लेके उसके पीछे भागे कि आज इसको मारूंगा। आवाज आई, ऐ बायजीद, ये डंडों से नहीं मरता, ये अल्लाह के नूर से जलता है, तू इतना जिक्र कर कि नूर अल नूर हो जाए। और जब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्ला नूर अल नूर हो गए तो शहर बुस्तान से जादूगर भी चले गए, अब हमारा अमल यहाँ असर नहीं करता। जब कोई शख्स इसमें अल्लाह को दिल में बसाने की कोशिश करता है तो शैतान के पास हिंदू फौज है, जिन्नात की बेमा असलाह, कुरान मजीद गवाह है, हुक्म देता है जाओ इसको बर्बाद करो, तबाह करो, कुछ भी करो, ये लफ्ज अल्लाह इसके अंदर ना जाए, वरना ये शख्स सारी उम्र के लिए हमारे हाथों से गया। अब तुम्हारे पास तो एक जिन भी नहीं है जो उसका मुकाबला करो, वो सबसे पहले आएंगे तुम्हें सताएंगे, बाज नहीं आए बीमार करेंगे, बाज नहीं आए पागल करके चले जाएंगे, और जब होश आएगा तो यही कहोगे खबरदार अल्लाह मत करना, इससे लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन जहां से इसकी इजाजत होती है अल्लाह ताला उनको भी एक रहमानी फौज देता है। वो शैतानी फौज तुम पे टूट पड़ी और वो रहमानी फौज शैतानों पे टूट पड़ी, और वो रहमानी फौज उस वक्त तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारे अंदर रहमान जाग नहीं उठता। फिर बंदा नहीं रहे, बंदा नवाज बन गए, गरीब नहीं रहे, गरीब नवाज बन गए। तेरा शाही मेरा शाही, गौर शाही गौर शाही, बन के मस्त मलंग रहेंगे, हर तेरे संग रहेंगे, मुखालिफ सारे दंग रहेंगे, हर तेरे संग रहेंगे, नजदी सारे दंग रहेंगे, हर तेरे संग रहेंगे। अब इसका तरीका भी है, रोजाना 66 मरतबा सफेद कागज पर काली पेंसिल से लफ्ज अल्लाह लिखें, थोड़े दिन लिखते रहें, एक दिन ऐसा आएगा जो आप कागज पे लिखते थे वो आपकी आंखों पे तैरना शुरू हो जाएगा। जब आंखों पे तैरना शुरू हो जाए फिर लिखना बंद कर दें, आंखों से फिर तवज्जो से उसको दिल के ऊपर उतारने की कोशिश करें। रब ने जा चाह जो आप कागज पे लिखते थे दिल पे लिखा नजर आएगा, उस वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, टिक टिक टिक, फिर उस टिक टिक के साथ अल्लाह मिलाए, एक के साथ अल्लाह एक के साथ हु, बार बार ऐसा करेंगे रब ने चाह वो दिल की धड़कन अल्लाह में तब्दील हो जाएगी। रात को सोने लगे उंगली को कलम ख्याल करके दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी में नींद आ जाए। आधी रात के वक्त इस दुनिया में खास रिश्ते आते हैं और करामन कादबीन से पूछते हैं हर आदमी के मतलब कि बताओ इसका आखिरी अमल क्या था जब ये सोने लगा था, कहते हैं ये ईशा की नमाज पढ़ के सोया था। दुआ देते हैं अल्लाह ताला इसको खुश रखे,
ये एक भूखे को खाना खिला के सोया था, अल्लाह मियाँ इसको भी खुश रखे। ये दुरूशी पढ़ के सोया था, अल्लाह ताला इसको भी खुश रखे। और ये आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया था, आयतुल कुर्सी की लाज रखना और इसकी हिफाज करना। और ये अल्लाह पढ़ते पढ़ते उसी की मस्ती में सो गया था, फिर वो कहते हैं खामोश आस्ता बात करो, शायद उसकी याद में आ जाए और हो सकता है सारी रात तुम्हारी अल्लाह ताला इबादत में शामिल कर दे। क्योंकि सोते वक्त जो नियत होती है ख्वाब में भी वही कुछ होता है। वो अल्लाह पढ़ते पढ़ते सो गए और ख्वाब में भी अल्लाह करते रहे। सुबह उठे ऑफिस से कारोबार कहीं भी जा रहे हैं, जिक्र खफी करते रहे। जब तक दिल की धड़कनों से अल्लाह अल्लाह नहीं मिलता है वो जिक्र खफी कहलाता है, जब धड़कनों से अल्लाह अल्लाह मिलता है वो जिक्र कल्बी कहलाता है। वुजू हो या ना हो, आप दिल को पानी से कैसे वुजू देंगे? सारा दिन आप पानी में खड़े रहें, दिल में तो पानी जाएगा नहीं। जब अल्लाह का नूर सीने में इकट्ठा हो जाएगा तो वो इस दिल को धो डालेगा। उसको बोलते हैं वुजू कर ले शौक शराब बांधा। और वो वुजू घड़ी घड़ी नहीं करते हैं, वो जिंदगी में एक बार ही काफी है। वो वुजू जिंदगी में एक बार ही काफी है। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि बहुत से बुजुर्गों के पास कुछ लोग जाते हैं, वो कहते हैं चलो दीवार बनाओ। वो सारा दिन दीवार बनाता है, शाम को कहते गिरा दो, सुबह फिर कहते बनाओ, शाम को फिर कहते गिरा दो। समझ में नहीं आती थी कि इससे उस बुजुर्ग को क्या फायदा। वो जब सारा दिन दीवार बनाता गिराता, फिर उसको दिल को देखते रहते हैं। जब देखते हैं कि अब इसके दिल के धड़कन पैदा होगी, फिर कहते हैं अब दीवार को छोड़, अब इस धड़कन के साथ अल्लाह ला मिला। अमीर कलाल के पास लोग जाते हैं, एक बुजुर्ग को गुजरे हैं, देखते 20-25 आदमी इकट्ठे हो गए, कहते चलो कबड्डी खेलें। लोग कहते हम तो फैज के लिए आए, बोलते हमारा फैज कबड्डी में है। वो कबड्डी खेल रहे थे, इतने में बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह वहां पहुंच गए फैज लेने के लिए। बहुत बड़े आलम थे बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह। पूछा अमीर कलाल कहाँ है, कि वो कबड्डी खेल रहे हैं। उन्होंने कहा वली तो कबड्डी नहीं खेल सकता, वली तो नहीं हो सकते। वापस जाने लगे, जमीन ने उनको रोक लिया। बाद में वही ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह उनके साथ कबड्डी खेल के इतने बड़े वली बने। भाई वो कबड्डी की क्यों खेलते थे? उनको खूब कुड़ाते। जब देखते हैं इनके सीनों में धड़कने शुरू हो गई तो फिर कहते हैं आप कबड्डी को छोड़ो, अब इनके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस, सावन श्री मगरू याहोल देखा होगा, वहाँ एक धमाल डालते हैं। बेशक जी सर, हमारे अक्सर उलमा कहते हैं कि वो नाच हराम है, अगर हराम है तो उस दरबार में क्यों हो रहा है? वो जब देखते हैं कि 20-25 आदमी इकट्ठे हो गए तो कहते हैं चलो नाचें, खूब उनको धमाल डलाते। जब खूब धमाल डालते तो सीने की धड़कने उभरती, तो कहते हैं अब इसके साथ अल्लाह को मिलाओ। अब इस वक्त धमाल भी मायूब समझा जाता है, कबड्डी भी मायूब है, वो दीवारों का जमाना भी खत्म हो गया। फिर एक और बेहतरीन सिलसिला है जहाँ ये बैठ के अल्लाहू के जरबे लगाते हैं, अल्लाहू अल्लाहू, वो बैठ के घंटा आधा घंटा जरबे लगाएं। जब वो जरबे लगाएंगे तो वही कबड्डी वाली पोजीशन पैदा हो जाएगी, वो दिल की धड़कने उभरेगी। फिर जब दिल की धड़कने उभरे तो उनके साथ अल्लाहू मिलाएं, बार बार अल्लाह करें, अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे तो इंशाल्लाह दिल की धड़कने अल्लाहू में तब्दील हो जाएंगे। बहुत से लोग होंगे जो किसी सिलसिले से होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फैज याफ्ता भी होंगे। अगर किसी के घर एक ट्यूब है जल रही है तो अगर एक और ट्यूब जल जाए तो शायद हमसाया को भी मुनव्वर कर दे। बहुत से लोग पीर मुर्शिद वाले होंगे, बैत अपनी जगह है, फैज अपनी जगह है, आप कई जगह से फैज हासिल कर सकते हैं। लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह काजी सिलसिले से थे, हजरत इब्राहिम मरवंदी उनको पीरो मुर्शिद थे, लेकिन सदरुद्दीन रहमतुल्लाह से फैज हासिल किया, फिर भी प्यास ना बुझी तो मुल्तान आ गए। बहुत दिन से थे मुल्तानी रहमतुल्लाह से फैज हासिल किया, फिर भी प्यास ना बुझी तो दिल्ली चले गए, बूली कलंदर रहमतुल्लाह से फैज हासिल किया,
जब मुड़ के गए तो सबके सरदार हो गए। अब हम लोग आपसे ना कोई नजराना मांगते हैं ना कोई बैद करते हैं, ये एक राज मिला था, हम कहते हैं इसको सीने में बसा लो, अगर अल्लाह अल्लाह शुरू हो गई तो दुआ दे देना, अगर ना शुरू हुई तो तुम्हारा क्या बिगड़ा, तुम अपनी घर हम अपनी घर। हमारा मकसद है कि इस अल्लाह अल्लाह करने से तुम्हारे सीने में अल्लाह और अल्लाह के हबीब की मोहब्बत पैदा हो। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे का नाम लिखते रहते हैं, जिसका मकसद है कि उस बच्चे को उससे मोहब्बत है तब उसका नाम बार बार लिखता है, और जब आप अल्लाह का नाम बार बार लिखेंगे तो आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी। आपका कोई दोस्त अमेरिका में बैठा है 40 दिन, उसको आप दिल से याद करें, दिल को दिल से राय, उसका खत आ जाएगा। और जब आप अल्लाह को, वो तो कई दोस्तों और कई मौत से ज्यादा मेहरबान है, तब उसको दिल की गहराइयों से याद करेंगे। तो फिर एक दिन अल्लाह देखेंगे कौन सा बंदा है कब से अल्लाह अल्लाह कर रहा है। फिर जब तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो तो ये मोहब्बत का मकाम है, फिर जब उसने तुम्हें देखा तो फिर ये इश्क का मकाम, फिर वो इश्क का मकाम है, फिर तुम्हें अल्लाह से इश्क हो गया। जब अल्लाह से इश्क हो गया तो अल्लाह के हबीब से भी इश्क हो गया, वो खुदा भी नहीं और जुदा भी नहीं। और जब अल्लाह के हबीब से इश्क हो गया तो सब वलियों से इश्क हो गया। तो हमारा मकसद है कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह और हबीब का इश्क पैदा हो जाए, और वो इश्क बातों से नहीं होता, ख्याल से नहीं होता, वो अल्लाह अल्लाह करने से होता है।